हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज 3-4 दिनों बाद थोड़ी सी धूप खिली है मुक्तेश्वर में, तो हम लोग जा रहे हैं नीचे बीज लगाने के लिए। थोड़ी खुदाई की थी, खाद भी ला के रखी थी, लेकिन बीज लगाने लगे तो बारिश फिर से आ गई, तो 2 दिन फिर बरसात के निकल गए। और हमने एक काम के लिए जाना है थोड़ा दिल्ली, 4-5 दिन के लिए जाएंगे। एक व्रत होता है हमारे यहाँ, जो फर्स्ट व्रत है हमारी बहू का, तो इसलिए हमें दिल्ली भी जाना पड़ेगा। तो बीज लगा के जाएंगे क्योंकि थोड़ा अंकुरित हो जाएंगे तब तक। किस किस चीज का बीज है इसमें? पालक है, मेथी है, चौलाई है, सरसों है, धनिया का लिया? क्योंकि धनिया है। धनिया हमारा हो नहीं पाया, बरसात में दो बह गया तीन बार सारा। से ना लग नहीं रहा बढ़िया। वो तो हुआ हाँ, तो उतना बढ़िया नहीं हुआ। थोड़ी खाद तो हमने डाल दी थी नीचे से लाके, थोड़ी सी और लानी पड़ेगी खाद, वो ले है ना? आएंगे, कोई बात नहीं। तो कोशिश करते हैं जितने ज्यादा ज्यादा बीज लग जाएं, क्योंकि 2 ही दिन और बचे हैं हमारे पास और ढेर सारा काम होता है हमारा। जैसे कि हमने पहले भी बताया आपको, दिल्ली जाने से पहले तो हमारे काम की जो है रफ्तार इतनी तेज हो जाती है। आज अच्छी खासी धूप खिली हुई है, तो चलते हैं नीचे और लगाते हैं बीज। कद्दू बचा हुआ है ले गया बंदर? पता नहीं, नीचे जाके देखना पड़ेगा। वो तो पहले कद्दू को ही देख के आते हैं। हो तो 4-5 रहे हैं, एक थोड़ा सा गया, नहीं है मैंने नीचे कहा ले को, गया नहीं वो नीचे को लटक गया ना वेट से, तो ऊपर से नीचे को आ गया वो थोड़ा, इसलिए देखा नहीं रहा। ये पत्ता है ये। आप ये खाद को ना फैला दो, मैं जरा खाद ले आती हूँ और नीचे से। ये देखो, कल रश्मि ने कुछ खाद ला के डाल दी थी यहाँ। ये एक डाली तो बाल्टी सभी और खेतों में हुई है तूने, लेकिन थोड़ी कम है। ये वाली कहाँ फेंकनी है? ये उस कॉर्नर पे नहीं है ना? इधर 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 इधर, इधर ना, ये हाँ, इस कॉर्नर पे डाल दो। ये खाद तो इस समय पूरी ही वर्म, वो क्या कहते हैं इसको, कंपोज हुई हुई है। कंपोज्ड हुई हुई है। बढ़िया, ब्लैक ब्लैक है। आप भी शुरू करो खाद फैलाना, मैं 3-4 बाल्टियां और ले आती हूँ। बरसात आई है ना और गीला हो गया। खाद तो तेरी कम पड़ेगी। नहीं तो मैं ला रही हूँ, जहां जहां पर है पहले वहां फैला लो ना, तो मुझे पता है कम पड़ेगी। बड़ी फर्स्ट क्लास हुई हुई है खाद। जो इसमें लकड़ी होती है वो तो मैं नीचे साथ के साथ हटाती जा रही हूँ। यहीं हटा लेंगे तो भर ले फटाफट, मैं भी उठा लेता हूँ एक दो, अभी नहीं चलते मैं हैं। ले आऊंगी, आप पूरे में फैला लो अपना, अलग अलग डिपार्टमेंट संभालो। अरे वो हैवी डिपार्टमेंट हो जाएगा नहीं होता वो, तेरा। बाल्टी से ना इजी रहता है, कट्टों में लाने में बल्कि ओ, मुश्किल। केचुए भी घूम रहे हैं भाई। हाँ तो केचुए काफी सारे हैं इसमें। थोड़ी सी उधर से उठा लेते हैं। मूली तो उधर को लगानी है ना? हाँ मूली तो जो जगह है उसकी, इसमें वहां लाई लगा दें क्या? लाई लगा दो या सरसों लगा दो। हैं? सरसों लगा दो। लाई कहाँ लगाएगी? एक उधर बना रखा मैंने, एक उधर बना रखा। पालक तो ऊपर लगा लेंगे ना, जहां पहले लगाते हैं। पालक का स्पेस तो है ना ऊपर, पालक ऊपर लगाएगी जहां पहले लगाते हैं पालक। ठीक है, ये दो खेत तो रेडी हो गए, खाद वाद मिक्स कर दी इनमें, एक इधर का और एक इधर का। इसमें लगाएंगे सरसों, इसमें लगाएंगे मेथी, इस साइड में कर रहे हैं लाई के लिए तैयार। और मौसम तो ठंडा पर काम करने में गर्मी लगने लग जाती है। इसको उतार के टांग देते हैं पेड़ पे, बस बीज की तैयारी शुरू करते हैं। दो में लगा देते हैं ना बीज। रश्मि दिखाता हूँ कहाँ काम कर रही है। वो देखो वहां से खाद भर भर के ला रही है वो। वो खाद भर रही है वो। हाँ जी, 2-4 भर के रख दो, मैं ले आऊंगा। थक जाएगी फिर। नहीं नहीं बीच में रेस्ट कर रही हूँ। दस 15 बाल्टियां तो ला चुकी है रश्मि।
ला आधे में से मैं ले जाऊंगा, यहाँ रख दे। बार बार थोड़ा हो गया वो ऊपर से नीचे। नहीं अभी एक बार तो ले जाऊं ना। हाँ एक बार ले लो। इसमें काफी हो गई इस साइड में, तो यहाँ थोड़ी कम है, इस साइड में डाल देता हूँ। ये दो खेत तो तैयार हो गए हैं, एक ये वाला और एक वो उधर वाला, एक ये वाला, दो खेत तैयार हो गए। तीसरे में खाद डल चुकी है ये पूरे में, और मूली हमारी कुछ कुछ हो रही हैं। ये देखो मूलियां बाहर आ रही हैं, लेकिन ये मूलियां तो हो जाएंगी खत्म, हमें चाहिए और मूलियां आगे के सीजन के लिए। तो कुछ ये वाला खेत खाली है, इस एरिया में थोड़ी लगा देता, कोई कोई आ रही है ना इनको उखाड़ देंगे। इस खाद को फैला देते हैं, इसमें अच्छी क्वांटिटी में डल गई खाद उनके मुकाबले। ये तो काफी हो गई खाद इसमें तो। ये बीच बीच में जो है ना, ये उस जो बांज के पेड़ की पत्तियां खाती हैं गायें, उनका ये डंडियां रह जाती हैं, तो गोबर के साथ ये भी आ जाती हैं। पूरी तरह से कंपोस्ट है खाद, ब्लैक हुई हुई है। तो यहाँ सारा हम ऑर्गेनिक ही यूज करते हैं, कोई केमिकल नहीं डालते हैं, इसलिए जो टेस्ट होता है ना वेजिटेबल्स का बिल्कुल अल्टीमेट होता है, अलग ही एक मिठास होती है इसमें। मजा आता है काम करने का। वो एक गाना याद आ जाता है मुझे, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। एक अमरूद भी आ रहा है मस्त सा, वो देखो रिफ्रेशमेंट आ गई है। एक डेढ़ घंटा हुआ है काम करते हुए। यहीं बैठोगे नीचे? यहीं बैठो। ये लो आपकी पानी की बोतल। लो इधर करो। ये लो पीना है तो पहले पी लो। पानी पियेंगे, रिफ्रेशमेंट खाएंगे, पत्ते का एक बार है बीच में। अपने घर की ककड़ी, जिसको कि शहरों में खीरा बोलते हैं, और साथ में अखरोट और बादाम। अच्छा है बिल्कुल। ऑर्गेनिक चीज का थोड़ा सा ना डिफरेंट होता है टेस्ट, जैसे केमिकल वाले हम शहरों में कीड़े खाते हैं ना, उसमें मिठास कम होती है और जूस भी कम होता है। अभी तो सिर्फ यही तीनों चीजें लगाओगे ना? मूली खत्म करूंगा नीचे लगाकर। अभी मूली का खेत खुदा नहीं है, दोपहर की रोटी खानी है, उसके बाद ही तो करोगे। लंच से पहले हो ही नहीं सकता। जितना होगा। 11:30 हो गए। अभी तो डिसाइड नहीं किया लंच में बनाना क्या है। जल्दी वाला काम करूंगी, पुलाव बनाऊंगी। अभी पहले मैं सोच रही थी न्यूट्री भिगो के आ जाऊं, फिर मैंने कहा पूछ के फिर भिगोऊंगी। न्यूट्री वाला पुलाव ठीक रहेगा। थोड़ा ना गुलाबों की कटिंग भी करने वाली है, जो ऊपर जो गुलाब है ना।
ये देखो क्या ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, ये फ्लावर्स इनके बिल्कुल ऑर्नामेंटल हैं, जैसे झुमके लटकते हैं ना, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। जो दो खेत तैयार हो चुके हैं उनमें अब डाल देते हैं बीज, और ये है सरसों का बीज। देखो ये तो आपने देखा ही होगा, घर में सब्जी वगैरह में भी कई यूज होता है। इसको तो ऐसे ही फेंका जाता है। बीच में मिक्सअप करेंगे थोड़ा सा इसको, यहां से स्टार्ट करते हैं। इससे क्या है कि बीज थोड़ा थोड़ा मिक्स हो जाएगा, नीचे की चला जाएगा, कुछ ऊपर रुकेगा, क्योंकि ये इतना छोटा बीज होता है कि एक एक करके लगाना तो पॉसिबल नहीं है। काफी घास फूस निकाल दी थी फिर भी आ ही जाती है। अब इसको कर देंगे प्लेन, बीज मिक्सअप हो जाएगा ना। सरसों की बुआई तो हो गई इस खेत में, अब देखते हैं कितने दिन में फूटती है। मेरे ख्याल जब दिल्ली से आएंगे तब तक थोड़ी थोड़ी फूट जाएगी, इतनी जल्दी नहीं फूटती। तो नमी भी है ना, खेतों में नमी है काफी। लाई का निकाल बीज है, लाई का मूली का, हाँ मूली, गोल मूली पहले ये। थोड़ी सी जगह में लगा रहे हैं, इधर देखते हैं। हमने आज तक जितनी बार भी गोल मूली लगाई है कभी गोल मूली ज्यादा हुई नहीं है, हुई नहीं हमारी। एक तो बेमौसमी लगाई है हमने हमेशा। ये इसका थोड़ा रंग हल्का होता है, और वैसे भी मूली की ना बीज चपटा है थोड़ा, है ना। लाई का भी निकाल के रख लो, लगाना तो है। ये लाई का है ना, ये लाई का बीज है। इसको पॉकेट में डाल लो, हाँ डाल लो। इतने इतने गैप पे लगा दे, 7-7, 8-8 इंच के गैप पे, है ना। हाँ लंबी कर दो लाइन को, तो उस साइड आप लगाओ ना। नहीं आप लगाओ। अरे नहीं जल्दी हो जाएगा काम, तो मैं ये कर रही हूँ ना, काम तो कर ही रही हूँ। उसके बाद उस साइड आके लगा दे। कितने इतने गैप में, आज इतना ये है। हाँ ठीक है, बंद कर दूँ ना इसको। हाँ ये कितनी, 3 लाइनों में डाला मैंने। हाँ 3 में डाला। इधर रश्मि ने कर दिया शुरू काम, और इस कोने से मैं कर देता हूँ। कितना ही कर लो, पत्थर तो निकल नहीं। अब लग रहा है लंबी वाली मूली, सफेद मूली जो होती है उसका बीज। इसमें तो डाल रखा है। हाँ मैंने डाला था। ये लग गई हमारी सफेद मूली, और सर्दी में तो बहुत ही मजा आता है, बिल्कुल मीठी मूली होती है। लास्ट ईयर मजा आ गया था मूली का, इस साल देखो अब क्या होता है। है तो बिल्कुल साफ, आज कड़क धूप निकली हुई है, पसीने आ गए आज तो धूप में। काम करने में वैसे भी मेहनत लगती है तो पसीना आता ही है। हवा तो ठंडी है, जब हम छाया में बैठेंगे तो हमें अपर डालना पड़ेगा। ये धनिया का भी बीज डाल दिया हमने, ये देखो ये पिंक पिंक सा कलर लगा रखा है धनिया के ऊपर, ताकि खराब ना हो। हमारे लिए तो इतना ही काफी हो जाएगा, ये घर के यूज के लिए
एक छोटा सा पैच ये लगा दिया धनिया का, लाल वाली गोल मूली हो रही है ये, मैं देख रहा था कि हो भी रही है कि नहीं। हो तो रही है, आप जो लगाई है ना वो भी अच्छी होंगी। हाँ, सीजन तो अभी है ना, नींबू भी आ रहे हैं इस बार तो अच्छे नींबू। दोस्तों आज तो अच्छी खासी मेहनत हो गई और अब थकान भी हो रही है, तो चलते हैं ऊपर और आगे की स्टोरीज कवर करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।